गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटे अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड किया प्रीवियस चैप्टर में. लॉ ऑफ डिमांड इट टेल्स अस दैट देयर एग्जिस्ट्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. राइट, मास्क पहनो जिन जिन्होंने उतारे हुए. आदित्य, सो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड. दैट इज इट टेल्स अस, लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज. It tells us about the direction of change. क्या law of demand हमें ये बताता है कि अगर किसी commodity की price बढ़ती है तो demand में कितना change आता है? Does it tell us how much change would there be in demand if price falls by say 2 rupees or 2%? क्या law of demand हमें यह बताता है? नहीं बताता. वो सिर्फ हमें ये बताता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, कितनी कम होगी ये नहीं बताता. वो ये बताता है प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो नहीं बताता. यानी इट ओनली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज. इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ चेंज, क्वांटिटी ऑफ चेंज. लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम होगी या प्राइस के कम होने से डिमांड कितनी बढ़ेगी. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कंसेप्ट है जो हमें डिग्री ऑफ चेंज के बारे में बताता है. इट टेल्स अस हाउ मच विल बी द चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग how much will be the change in demand as a result of change in price. Say you are a shopkeeper, you are a producer, you are a finance minister, you would always before taking any decision would be interested in knowing ki agar aap apni commodity ka price 10% badhate ho to aapki demand kitne percentage kam hogi. Are you interested in knowing or not? मारुति उद्योग ने अपने कार के प्राइसेस बढ़ाने हैं. ठीक है, तो बिफोर फिक्सिंग द न्यू प्राइस इट शुड नो कि अगर वो प्राइस इतना बढ़ाएगा तो डिमांड कितनी कम हो जाएगी. अगर ज्यादा कम हो जाएगी डिमांड, यानी उसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, तो वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा. इजंट इट? सो चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो सेलर है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा. ठीक है, सो ये हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू टेल अस क्वांटिटेटिव चेंज, इट ओनली टेल्स अस अबाउट क्वालिटेटिव चेंज. दैट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ये बताता है. लेकिन बाय व्हाट परसेंटेज डिमांड विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, डिमांड कितना चेंज करेगी, ये डिग्री ऑफ चेंज यानी क्वांटिटेटिव चेंज कैन बी मेजर्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर, मीनिंग पता चल गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब थोड़ा सा हम इसके नेम के ऊपर जाते हैं, डिमांड की इलास्टिसिटी. थिंक अबाउट इट, इलास्टिक मीन्स, इलास्टिसिटी वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज, है ना. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कंसेप्ट है जो ये मेजर करता है कि डिमांड प्राइस में या किसी भी फैक्टर के करके, फैक्टर में चेंज आने के करके डिमांड में
कितना चेंज आता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डिमांड किन फैक्टर्स के करके चेंज होती है। जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और नॉट। किसी भी कमोडिटी के पेन है या चौक मैंने पकड़ा हुआ है, चौक की डिमांड चौक के प्राइस से अफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा, मार्कर के प्राइस से अफेक्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि मार्कर इसका सब्स्टिट्यूट गुड है। होगी, ठीक है। और इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। तो इसका मतलब किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है उस कमोडिटी के प्राइस के ऊपर, उस कमोडिटी के रिलेटेड, उस कमोडिटी के रिलेटेड गुड के प्राइस के ऊपर और कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। ठीक है, सो अगर हमें ये मेजर करना है कि हमारी कमोडिटी की डिमांड प्राइस के करके कितनी चेंज हो रही है या रिलेटेड गुड के प्राइस के करके कितनी चेंज हो रही है या इनकम के करके कितनी चेंज हो रही है, तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हाउ डू वी डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यू कैन राइट इट डाउन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी। आई एम रिपीटिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू percentage change in demand of a commodity due to percentage change in any of the factors affecting demand. Accordingly, there are three types of elasticities of demand. Accordingly, there are three types of elasticities of demand. Number one, price elasticity of demand. Krish bete mask pehno. Number two, income elasticity of the demand. Income elasticity of demand. Number three, cross elasticity of demand. So you can see price elasticity of demand ka matlab kya hai? It measures percentage change in demand due to percentage change in own price of the commodity. मुझे ये देखना है कि ये चौक की प्राइस 10% बढ़ी है, उसके करके चौक की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? Yes, that is measured using the concept of price elasticity of demand. On the other hand, income elasticity of demand refers to percentage change in demand of the commodity due to percentage change in income of the consumer. जब मेरी पॉकेट मनी 100 थी, मैं दो पेन लेती थी, अब मेरी पॉकेट मनी 100% बढ़ गई, 200 हो गई, तो what will be the effect on demand of the commodity? Demand of the pens.
So that is measured using which concept? Income elasticity of demand. Third one is, what is cross elasticity? Anyone, any guess? Huh? Dusra kaun hoga? Koi bhi? Related good. Theek hai? So cross elasticity of demand refers to percentage change in demand due to percentage change in price of related goods. Chalk ki demand marker ke price se kitni affect hui? That is measured using cross elasticity of demand. So here is a good news. You have in your syllabus only price elasticity of demand. ठीक है, हमने क्या स्टडी करना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो व्हेन एवर आई रेफर टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट वुड इंप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मैंने ऊपर क्या लिखा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो एक बार हम इसका मीनिंग लिख लेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in quantity demanded of a commodity due to percentage change in price of the commodity due to percentage change in price ji price elasticity of demand refers to percentage change in quantity demanded of a commodity due to percentage change in price of the commodity. Next line mein likho, it is a measure of degree of responsiveness of demand of a commodity due to change in its price due to change in its price. Okay, ये elasticity of demand का concept जो है या formula जो है वो सबसे पहले जिस economist ने दिया था, his name was Alfred Marshall, who gave the concept of बेटे दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट दीज डेज, क्योंकि एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकता है. अर्लियर वी नेवर यूज टू गिव एनी इम्पोर्टेंस टू सच फैक्ट्स, है ना. कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम हम रेफर करते थे या मेन बता दिया, लेकिन अभी आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए आप ये फैक्ट्स छोटे छोटे लिख ले. ठीक है, ओके. सो पहली मैंने डेफिनेशन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लिखवाई वो क्लियर होगी. What is elasticity of demand? It is the percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. Then I made you write, elasticity of demand is the degree of responsiveness. See, main bhi fan band kar dungi. All of you will respond. Yes? You will react, you will respond to it. Some may respond very badly, some less badly. I'm sure all of you will react badly, but some will react more badly, some will react less badly. Ho gaya aise? So I want to measure your degree of response. Matlab response sab buri tarah karenge, lekin किसने कितना बुरी तरह से रिस्पॉन्स किया, किसने कम बुरी तरह से रिस्पॉन्स किया, वो डिग्री को मेजर करना है.
इसी तरह से अब इसको प्राइस और डिमांड के ऊपर फिट करते हैं। किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, आप सब उसकी डिमांड कम करोगे, कम कर दोगे? कोई कम कम करेगा, कोई ज्यादा कम कर देगा? ऑल ऑफ यू विल रिस्पॉन्ड टू इट। हाउ? बाय डिक्रीजिंग इट्स डिमांड। कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक या समोसों के प्राइस बढ़ गए तो आपने उसकी डिमांड कम कर दी, है ना? लेकिन हर एक कोई ये तो नहीं है कि पहले आप सब दो खाते थे, अब सब एक खाना शुरू कर देंगे। हर एक कोई अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? कोई दो जने मिलके तीन ले लेंगे, कोई दो का एक कर देगा, कोई एक जने दो जने मिलके एक ले लेंगे, है ना? हर एक कोई अलग से रिएक्ट करेगा। नाउ आई वांट टू मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव रिस्पॉन्डेड टू चेंज इन प्राइस। सो हाउ टू मेजर इट? बाय मेकिंग यूज ऑफ कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, ये एक मेजर है, माप है। क्या मापता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किसका रिस्पॉन्स? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्लियर? सो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो उसी से हम अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, यू नीड टू राइट इट डाउन, इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। राइट इट डाउन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to percentage change in quantity demanded over percentage change in price ठीक है। For example, मैंने आपको बोला बेटे ये अब पेन मैंने जो पकड़ा हुआ है ना, इसका प्राइस 10% बढ़ गया है, ठीक है? मैंने कहा, फिर मैंने मार्केट में जाके देखा तो एज अ रिजल्ट ऑफ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड फॉल्स बाय 30%। मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, फॉल, ये इंक्रीज हुई है तो ये प्लस। नाउ हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड? 30%। How much is the percentage change in price? 10%. So elasticity of demand is this divided by this, comes out to be -3. This is the coefficient of elasticity of demand. ये क्या है? Elasticity of demand का coefficient है. So अभी तक इसकी implication क्या है? ये क्या आपको बताता है? अभी नहीं पता चलेगा, सिर्फ इतना पता चलेगा कि भी जब प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में 3 गुना चेंज आता है। इतना पता चलेगा, 3 times देख लो। यानी अगर कल को ये प्राइस 20% बढ़ेगी और डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है तो आपको पता चल जाएगा डिमांड कितनी गिरनी चाहिए, कितनी गिरनी चाहिए? 60%। मैंने क्या बोला, कल को अगर प्राइस 20% बढ़े और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है तो आपको पता चल जाना चाहिए इसकी डिमांड कितने परसेंट फॉल होगी, 60, क्योंकि तभी ये 3 आएगा।
ठीक है, अभी तक आपको इतना पता चलेगा इसके कॉफिशियंट की इंप्लीकेशन क्या है। नाउ इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, इन अदर केसेस इट कुड बी 1, इट कुड बी लेस देन 1, इट कुड बी 0, इट कुड बी इंफिनिटी। ये बेटे कोई रूल तो नहीं बन गया कि प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड 30% गिरनी है। आपकी डिमांड 3 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी 5 हो सकती है, इसकी 1.2 हो सकती है, इसकी 0.25 हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी 0 हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, इसकी इंफिनिटी हो सकती है, हो सकती है। यस, इलास्टिसिटी है ये, क्या मेजर करती है, हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन प्राइस। तो हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन प्राइस, दैट वी विल कम टू नो फ्रॉम द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। I am again telling you, whenever I say elasticity of demand, what do I mean? Price elasticity of it. So you need to write it down. Degrees of price elasticity of demand. But there are 5 degrees of elasticity of demand. अभी हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आया था, आप कुछ मत लिखिए, सिर्फ समझिए, अभी मेरे को हेडिंग लिख लिया आपने, अभी आंसर क्या आया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। हाँ, 3 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो बी कॉन्फिडेंट बेटे, ऐसे आंसर आना चाहिए, लेस देन 1 भी बोल रहे हो आप। 1 को हम इकोनॉमिक्स में यूनिटी कहते हैं, मैथ्स वालों को पता होगा यूनिटी, 1 इज रेफर टू एज यूनिटी। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोफिशियंट 1 हो तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। किसको बोलते हैं, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉफिशियंट 1 आए, यानी मैंने कहा ये चौक का प्राइस 10% कम हुआ और इसकी डिमांड 10% बढ़ गई, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका मतलब इसकी डिमांड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। बेटे मैंने नाम इसका इसकी करेक्टरिस्टिक से ही डाला, जब आंसर 1 आया यानी यूनिटी आया तो इसको क्या बोल दिया, यूनिटरी इलास्टिक। लास्ट केस में कितना आया था, 3 इज ग्रेटर देन 1, सो अगर ग्रेटर देन 1 आए वी कॉल इट ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। किसको बोलेंगे, इन केस ED is greater than 1. अगर 0.25 आया आंसर, इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, लेस देन यूनिटी, तो उसको क्या नाम दोगे, नामकरण करो इसका, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। In this case, coefficient will be less than 1. और दो केसेस कौन से रह गए, ED can be equal to 0. 0 का मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, why call it elastic? Why call it elastic? इसका प्राइस बढ़ा 10%, डिमांड जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, तो क्या इसकी डिमांड इलास्टिक चेंज हो रही है, इलास्टिक है नहीं है,
तो क्या नाम देंगे उसको, कर दो नामकरण। नहीं नाम दे सकते, थोड़े क्रिएटिव बनो। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ इलास्टिक? इनइलास्टिक। सिंपल, तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इन। ये भी डिटेल में करना है, सिर्फ मैं आपको भूमिका बांध रही हूं इसकी। अभी इसको दो लेक्चर्स और लगने हैं पूरी डिग्रीज करने में। सो व्हेन इज डिमांड सेट टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक? व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो। अब एक केस कौन सा रह गया? ईडी इक्वल्स इंफिनिटी, ईडी इक्वल्स इंफिनिटी, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल्स इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दीज आर द वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नाउ यू कैन राइट डाउन द नेम्स इफ यू वॉन्ट टू, वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप बुक्स में देखोगे तो इस ऑर्डर में होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन मैं उस ऑर्डर में करवाती हूँ जिसमें बच्चों को समझना इजी हो, तो वो ऑर्डर है ये। ठीक है, यूनिट्री आपको समझ आना चाहिए, बात तो ये है ना। सो फर्स्ट डिग्री के की तरफ चले, यूनिट्री इलास्टिक डिमांड। राइट डाउन, अ कमोडिटी इज सेट टू हैव, यू ऑल्सो नीड टू राइट डाउन। बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है बच्चे? अ कमोडिटी इज सेट टू हैव यूनिट्री इलास्टिक डिमांड व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू इक्वी प्रोपोर्शनेट, इक्वी EQUI लीड्स टू व्हेन विद प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी देयर इज इक्वी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्टार्टिंग में ये लिखा था ना, कमोडिटी सेट टू हैव यूनिट्री इलास्टिक डिमांड व्हेन विद प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू इक्वी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया? एक कमोडिटी की डिमांड यूनिट्री इलास्टिक तब होगी जब जितने परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना इक्वल परसेंटेज चेंज डिमांड में आएगा। अगर इस चौक का प्राइस 10% बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट इसकी डिमांड भी 10% कम हो जाती है, तो इसकी डिमांड क्या हुई, क्या हुई? यूनिट्री इलास्टिक। इसकी डिमांड को क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? यूनिट्री इलास्टिक। लॉ ऑफ डिमांड कुछ ऐसा बताता था, वो ये बताता था कि चौक की प्राइस बढ़ेगी, चौक की डिमांड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी ये किसने बताया? इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी से हमें ये पता चलेगा क्या इसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, यानी प्राइस में चेंज आने से ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है इसकी डिमांड या कम रिस्पॉन्ड करती है। आर वी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट? वाई आर वी इंटरेस्टेड इन नोइंग द चेंज इन डिमांड और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड? एनीवन, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ सेलर, देन यू टेल मी।